जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले दिन हम लोग जो बात कर लिए थे, जोड़ घटाओ गुना देख लिए थे, उस पर आधारित क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल गया था। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को बनाया होगा, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को बनाना सिखा दिए थे आपको। और आज हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई ऐसा आपको मैट्रिक्स दिया गया है तो आपको इस तरीके से एक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, कभी कभी इसके बराबर में जीरो भी दे देता है, ठीक है, वो हम लोग बात करेंगे जब आगे बढ़ेंगे। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, एक चीज आप ये पहले सीख चुके हैं, ठीक है, 7i ये आप पहले सीख चुके हैं, ठीक है, ये जो है आप पहले सीख चुके हैं, इतना से इधर आप पहले सीख चुके हैं। ये यहां पर i जो है ना, आपका जितना कोटि का मैट्रिक्स होगा ना, उतना ही कोटि के i का मान आपको लेना है। I किसको कहते हैं? तो तत्समकअवयव को। तत्समकअवयव क्या होता है? 1001, यही तत्समकअवयव आपको बता दिए थे, या इसको I2 भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुगुने दो कोटि का है, ठीक है, किसी को दिक्कत बोल दीजिए एक बार, नहीं ना, किसी को दिक्कत? इसका मान एक के बराबर होता है, ये भी आप जान लीजिए। तो चलिए, यहां तक आप लोग सीखे हैं कि 5 को a से कैसे गुना करना है। सिंपल है, आप a से सभी में गुना कर दीजिएगा तो 5 a का मान निकल जाएगा। 7i कैसे निकालना है? तो i में 7 से, यदि यहां पर आप 7 से सभी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 7007 हो गया 7i का मान। तो इसी तरीके से आप ये दो चीज तो आसानी से निकाल लीजिएगा, लेकिन ए स्क्वायर का मान कैसे निकालिएगा? अब आपको ये लग रहा होगा कि जो a है इसका स्क्वायर करने का मतलब है कि प्रत्येक अवयव का स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर का मान निकल जाएगा। नहीं, गलत। यदि आप यह समझ रहे हैं कि a स्क्वायर का मान ऐसे निकालना है तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। देखिए, a स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, या फिर a क्यू कैसे निकालेंगे, a के पावर 4 कैसे निकालेंगे, सारी जानकारी हम आज देख लेते हैं। और बाकी चीज तो पहले से हम लोग जानते हैं, ये सारी चीज पहले से जानते हैं, सिर्फ आज हम लोग सीखेंगे कि ए स्क्वायर ए क्यू कैसे निकालेंगे। एक दो सवाल देखेंगे, कुछ सवाल करेंगे, बाकी सवाल आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। जो सवाल आपको दिया जाएगा बिल्कुल इसी टाइप का सवाल होगा। तो पहले ए स्क्वायर निकालना सीखते। देखिए, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुना ए, यानी ए को ए से गुना करना है। चलो, ए का मान है 3, 1 माइनस 1 2, फिर ए है तो 3 1 माइनस 1 2 हो गया ए गुने ए। अब गुना कैसे करना है, तो ये पिछले वीडियो में भी हम आपको बता दिए थे, एक बार और हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि गुना कैसे करना है। देखिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा, गुना करने के लिए आपको पंक्ति नंबर 1 पहले पकड़ना है हमेशा, और इस पंक्ति को यहां से उठाना है, और ऐसे अमेजिंग करना है कि यहां से जब इसको उठाए ना तो ये कलम में सट गया, ये दोनों जो था ना कलम में सट गया। इसके बाद इसको लेके जाना है यहां पर, ऐसे कर देना है, ठीक है, और जो जिसके सामने जाएगा उसको उसी के साथ गुना कर देना है। तो जब इसको यहां से उठाकर यहां पर रखेंगे तो 3 3 के साथ जाएगा, 1 माइनस 1 के साथ आएगा, तो 3 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 9। यहां देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। फिर आपको क्या करना है कि इसी पंक्ति को उठाकर अगले स्तंभ पर रखना है, इसी पंक्ति को उठाकर दूसरा पर रखना है। तो यहां देखिए, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 2 को 1 से गुना करेंगे 2। चलिए, अगली बार क्या करना है कि दूसरी पंक्ति को उठाकर इस पर रखना है। देखिए, दूसरी पंक्ति को ऐसे उठाएंगे इस पर रख देंगे, इसको ऐसे उठाएंगे इस पर रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3, यहां प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। फिर देखिए, यहां जो दूसरी पंक्ति है इसको उठाकर यहां रखेंगे इस पर, इसको ऐसे उठाएंगे और यहां रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 को माइनस 1 से गुना करेंगे यानी माइनस 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, ठीक है। चलो, अब जो जोड़ घटाव कर दीजिए, 9 में से 1 घट गया 8, 3 और 2 5, माइनस 5, और 4 में से 1 घट गया 3, ठीक है, ए स्क्वायर का मान निकल गया। किसी को दिक्कत? ए स्क्वायर का मान निकल गया। अब बाकी जो आपका इक्वेशन है यहां पर समझ लीजिए, बाकी जो आपका निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। चलिए, यहां ए स्क्वायर का मान आप पहले से निकाल चुके हैं, 8 5 माइनस 5 3, 8 5 माइनस 5 3,
और माइनस फाइव इंटू ए का मान, देख लीजिए ए का मान आपके सामने में है, थ्री वन माइनस वन टू, इसके बाद प्लस सेवन आई का मान, तो आई का मान आपके पास है, जितने कोटि का यहां पर मैट्रिक्स रहेगा ना, ये दो गुने दो कोटि का है तो आई का मान भी दो गुने दो कोटि का लेंगे, यदि ये तीन गुने तीन कोटि का रहेगा तो आई का मान भी तीन गुने तीन कोटि का लेंगे। याद रखिएगा जितना कोटि का मैट्रिक्स रहेगा आई का मान उतने कोटि का लेना है, वन जीरो जीरो वन, ये हो गया आई। अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा, आठ पांच माइनस पांच तीन, फिर देखिए पांच से गुना करने के लिए कह रहा है, कर दीजिए गुना, पांच तिया पंद्रह, फिर पांच इकाई पांच, फिर माइनस पांच और पांच दूनी दस, यहां कह रहा है सात से गुना करने के लिए, चलिए गुना कर लीजिए, सात जीरो जीरो सात। अब आपको क्या करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब प्लस वाला को जोड़ लेना है, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है तो दोनों जुटेगा और ये जो माइनस वाला है घटेगा। चलिए ध्यान से देखिए, जोड़िए पहले आठ और उधर सात तो पंद्रह, यहां देखिए पांच में जीरो जोड़ेंगे तो कितना होगा पांच, माइनस पांच में जीरो जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस पांच, तीन और सात कितना होगा तो दस, और इसमें से माइनस करना है आपको पंद्रह पांच माइनस पांच दस, देख लीजिए यहां पंद्रह में से पंद्रह घट गया तो कितना आ जाएगा जीरो, पांच में से पांच घट गया तो जीरो, माइनस पांच में से माइनस पांच घट गया तो जीरो, और फिर दस में से दस घट गया तो जीरो, यानी आ गया जीरो जीरो जीरो, इसको लिख सकते हैं जीरो। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, यानी इसका मान जो है कितना के बराबर आया जीरो के बराबर, कितना के बराबर आया जीरो के बराबर, समझ में आ गया सभी लोगों को, समझ में आ गया सभी लोगों को। सिर्फ और सिर्फ आपको यह समझना है कि ए स्क्वायर का मान कैसे निकालना है, या फिर यहां कभी कभी ए क्यूब दे देगा, कभी कभी ए के पावर फोर दिया हुआ रहेगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, ए स्क्वायर ए क्यूब ए के पावर फोर, तो आपको कैसे निकालना है। जैसे यहां मान लीजिए कि ए स्क्वायर का मान तो आप निकाल लिया ऐसे एक गुने ए करके, और यदि मैं इसी में आपको कह दे कि ए क्यूब का मान निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर तो निकालने हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ए क्यूब कह रहा है तो ए स्क्वायर तो पहले से निकला है, एक बार और ए के साथ गुना कर देंगे तो ए क्यूब नहीं निकल जाएगा, बोलिए ए स्क्वायर का मान तो आपने पहले से निकाला है, ए स्क्वायर का मान आपके पास है, यदि इसी में एक बार और ए से गुना कर देंगे, एक बार और ए से गुना कर देंगे, जैसे ए स्क्वायर का मान तो आपका ही निकल चुका है ना, इसी में एक बार और ए से गुना कर दीजिए, तीन एक माइनस एक दो, एक बार और ए से गुना कर दीजिएगा तो जो मान निकल के आएगा वो किसका मान होगा ए क्यूब का मान होगा। किसी को दिक्कत, ए स्क्वायर कैसे निकालना है ए क्यूब कैसे निकालना है समझ में आ गया है, बस यही चीज आपको समझना है, बाकी चीज आप पहले से जानते हैं, केवल आपको ए क्यूब या ए स्क्वायर का मान निकालने आना चाहिए और वो भी काफी आसान है। स्क्वायर निकालना है तो उसी को दो बार गुना कर लीजिए, जैसे यहां देख लीजिए ए गुने ए, ए को ए से गुना कर लिए जो आ गया, यदि मान लीजिए कि ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर का मान निकाल के आप लाएंगे, उसमें ए से एक बार और गुना कर लीजिएगा, जैसे इधर गुना किए हैं उसी तरीके से गुना कर दीजिएगा तो ए क्यूब का मान निकल जाएगा, और जब आप ए क्यूब का मान निकाल लीजिएगा तो जो आपका रहेगा इक्वेशन उसी तरह क्रिया करना है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यहीं तक नोट करना है आपको, ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, यही नोट करना है आपको, एक्स्ट्रा थोड़ा सा बढ़ गया था यहां पर आपको सिखाने के चक्कर में। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, और कुछ सवाल अभी देखते हैं इस पर, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद आप लोगों को बनाने के लिए भी सवाल दिया जाएगा। देखिए एक सवाल आपके सामने है, यहां पर a बराबर दिया गया है दो जीरो एक दो एक तीन और फिर कितना एक माइनस एक और जीरो, तो आपसे कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई का मान कितना के बराबर होगा। आपसे हम बता दिए हैं कि ये दो चीजें आपके लिए बहुत सिंपल है, आई का मान क्या होगा तो आपको मालूम है कि जब ये तीन गुने तीन कोटि का है, ये तीन गुने तीन कोटि का है ना,
तो आई का मान भी आपका तीन गुने तीन कोटि का होगा, 1000001। ये पहले क्लियर कर लीजिए, इसको आई थ्री भी आप कह सकते हैं। तो यहां तो क्लियर हो गया, आपको चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर का मान। ठीक है, तो आपको बता दिए हैं ए स्क्वायर का मान कैसे निकालना है, ए गुना ए, ए स्क्वायर का मान निकालना है तो ए गुना ए। अब ए का मान क्या है रख लीजिए, 201213 1-10, और फिर ए का मान क्या है दूसरा, 201213 1-10। ठीक है, देखिए गुना करना बहुत ही सिंपल है, जो आपको हम पहले ही बता दिए थे, चाहे वो 2×2 कोटि का हो या 3×3 कोटि का हो। ठीक है, जो भी लोग गुना पढ़े हैं उनको मालूम होगा, आप एक एक वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए क्या करना है कि यहाँ से आपको इसको उठाना है, ऐसे यहाँ से उठाना है, देखिए कौन किसके साथ जाएगा, जब आप इसको उठाएंगे ऐसे करके मान लीजिए, तो यहाँ से जब इसको उठाइएगा तो इसके साथ आपका ऐसे जाएगा और ऐसे करके ऐसे रख देना है, तो यहाँ 2 जो है 2 के साथ जाएगा, 0 2 के साथ और 1 1 के साथ, नहीं तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 प्लस, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। चलिए फिर इसी को उठाकर जो है इस पर रखेंगे दूसरी पर, तो कितना हो जाएगा, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 प्लस, पंक्ति में लिखते चलेंगे, 0 को 1 से गुना करेंगे, 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0, और इसके बाद आपका आ जाएगा प्लस, 1 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस -1। चलिए फिर इसी को उठाकर तीसरा पर रखेंगे, इसको यहां से ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस, यहां देखिए 0 को 3 से गुना करेंगे 0, फिर 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब तो इधर कुछ है नहीं, जो इसको रखेंगे काम खत्म। अब दूसरा को उठाइए, दूसरा को उठाइए फिर तीनों पर रखिए, तीसरा को उठाइए फिर तीनों पर रखिए, यही तो करना है, बहुत सिंपल है। चलिए दूसरा को उठाते हैं रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2×2 = 4 प्लस, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस, 3 को 1 से गुना करेंगे 3। इसके बाद फिर इसी को उठाकर दूसरा पर रखिए, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से गुना करेंगे 3। फिर इसी को उठाकर तीसरा पर रखिए, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 प्लस। अब देखिए 3 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब आ जाइए तीसरा, यहाँ देखिए अब तीसरी पंक्ति को उठाकर फिर सब पर रखेंगे, तो इसको उठाकर जब इस पर रखेंगे तो कितना होगा, 2×1 = 2 प्लस, माइनस 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2, और 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ देखिए फिर इसी दूसरा को उठाकर इस पर रखेंगे, 1 को 0 से गुना करेंगे 0, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और फिर प्लस माइनस माइनस, 0 को 1 से गुना करेंगे 0। फिर तीसरा को उठाकर यहाँ तीसरा पर रखेंगे, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यहाँ है माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, फिर 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक एक करके एगो को पकड़ना है और सब पर रख देना है, फिर दूसरा को पकड़ना है सब पर रख देना है, फिर तीसरा को पकड़ना है सब पर रख देना है, हो गया, बस आसान तो है। अब आइए इसको जोड़ लेते हैं, देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 4 और 2 6 और 3 9, यहाँ कितना आ जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5, ये हो गया 2 में से 2 घट गया 0, ये आपका हो जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 1 में से 3 घट गया यानी -2, ए स्क्वायर का मान निकल गया। ठीक है, ए स्क्वायर का मान निकल गया, और जब आप ए स्क्वायर का मान निकाल लिए तो क्या कर रहा है निकालने के लिए, देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a + 6i का मान निकालिए। चलो बाबू सबसे पहले ए स्क्वायर का मान जो निकाले हो यहाँ पर रख दो, 5 - 1 = 2, 9 - 2 = 5, 0 - 1 - 2, ए स्क्वायर का मान निकल गया माइनस।
कह रहा है 5a का मान, थोड़ा सा मेरे पास जगह कम है इसलिए 5 को a से गुना करके डायरेक्ट लिखते हैं। यदि आप इसमें 5 से गुना कर दोगे तो बाबू कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, 10 और फिर 0 को 5 से गुना करेंगे, 0 5 एक 5, 5 दूनी 10, फिर 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 और 5 3 15, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और फिर हो जाएगा माइनस 5, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, इसके बाद प्लस 6i, यानी यहाँ पर i जो है इसमें 6 से गुना कर लेना है, इसमें 6 से गुना कर देना है, तो देखिए कितना आ जाएगा 6 से गुना करने पर, देख लो 6 से गुना करेंगे तो 6 एक 6 बाकी तो सब 0, फिर यहाँ 0 6 0 0 0 6, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। चल बाबू अब क्या करना है, जोड़ने वाला को जोड़ना है, घटाने वाला को घटाना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ 5 है यहाँ 6 है तो 6 और 5 कितना आ जाएगा 11, थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं अलग 11, यहाँ देखिए 1 है माइनस 1 है और यहाँ 0 है कितना आ जाएगा माइनस 1, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, यहाँ देखिए 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 माइनस 2 और प्लस 6, माइनस 2 प्लस 6 घट के आ जाएगा 4, यहाँ 5 और वहाँ 0 तो 5 ही होगा, यहाँ 0 है यहाँ भी 0 है तो 0 होगा, माइनस 1 और यहाँ 0 तो माइनस 1, माइनस 2 और यहाँ है 6 तो माइनस 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा 4 के बराबर। इसके बाद माइनस देखिए ये दोनों को तो जोड़े हैं ना, आई माइनस वाला है तो घटेगा 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0, ठीक है देख लीजिए कहीं घटने वाला है तो घटा दीजिए, घटने वाला है उसको घटाते हैं, 11 में से 10 घट गया तो कितना आ जाएगा 1, देखिए 11 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1, और फिर यहाँ माइनस 1 में से 0 घटेगा माइनस 1, 2 में से 5 घटेगा, 2 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा माइनस 3, ये जोर घटाओ आपको आना चाहिए भाई। देखिए 9 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस 1, यहाँ देखिए 4 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस 1, 5 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस 10, देखिए अब यहाँ पर है 0 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस 5, यहाँ देखिएगा माइनस 1 फिर माइनस ये वाला और ये माइनस 5 ना, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या आ जाएगा प्लस, यानी 5 में से 1 घट जाएगा कितना हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए यहाँ 4 में से 0 घटाना है तो 4 में से 0 घट के कितना आ जाएगा 4 के बराबर, देख लीजिएगा बन गया आपका आंसर, ठीक है जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें नया एक ही चीज देखने को मिलेगा, वो क्या है तो ए स्क्वायर का मान या फिर कहीं कहीं पर ए क्यूब का मान, ठीक है तो इसे घबराना नहीं है, ए स्क्वायर कहेगा तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि दो बार गुणा कर लेना है, ए क्यूब कहेगा तो जो मान आपका निकल के आया है ए स्क्वायर का मान इतना निकल के आया है, इसमें एक बार और ए से गुना कर दीजिएगा, ए का मान है वाला एक बार और लेके गुना कर दीजिएगा तो ए क्यूब का मान निकल जाएगा, कहीं भारी थोड़ी है, बहुत सिंपल है, आप आसानी से गुना कर पाएंगे, एक बार गुना कर लीजिएगा तो आप आसानी से गुना कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज की आप समझिए कि गणित आप तभी नहीं सीख पाते हैं जब सारा का सारा क्वेश्चन टीचर बनाते हैं और आप क्या करते हैं कि उसको उतारने के चक्कर में खाली रहते हैं, तब आप गणित नहीं सीख पाते हैं, और गणित आप तब सीखिएगा जब आपको सिर्फ रास्ता बताया जाएगा और आप खुद से उस रास्ता पर चलिएगा, तब जाकर एक अच्छा मुसाफिर बन पाइएगा, ठीक है समझ में आ रहा है, जब आप खुद चलिएगा तब अच्छा मुसाफिर बन पाइएगा। मान लीजिए कि कोई आपको ले जा रहा है पहली बार, एक बार क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको यहां से दिल्ली नहीं देखा हुआ है तो पहली बार कोई क्या करेगा आपको कि आपको रास्ता दिखा देगा, ठीक है लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि वो आपको कंधा पर बैठा कर ले जाएगा, आए समझ में आ रहा है, आ यदि मान लीजिए कि ले भी जाएगा तो आप अच्छा मुसाफिर नहीं बन पाएंगे, आप दूसरी बार जाइएगा तो भुला जाइएगा, इसीलिए आपको खुद चलना है और खुद मंजिल तक पहुंचना है, इसके लिए आपको मेहनत खुद करना है, ठीक है तब आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, नोट कर लीजिएगा। और बाकी बच्चे जो सवाल है आपको मिल रहा है टोटल सवाल आप बना पाएंगे, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप टोटल सवाल बना लीजिएगा इस टाइप के सवाल को, और कल से हम लोग अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थोड़ा सा छोटा वीडियो है लेकिन इसके इस पर जो क्वेश्चन है वो काफी मजेदार है। आप लोग निश्चित रूप से बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।